देखिए इंडिया में ना एक ट्रेंड बहुत कॉमन है कि जब आपके बस की कुछ नहीं है तो आप फटाफट इंडियन पॉलिटिक्स में घुस जाओ और उसके बाद वहां जाकर तबाही मचाना स्टार्ट कर दो। बट पहले ये क्या था ना, ये सिर्फ हीरो के लिए था, जो हीरो होती थी, हीरोइन होती थी, सिंगर्स होते थे और जो क्रिकेटर ऐसे होते थे उनके लिए था। लेकिन अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, हमारे जो रेसलर्स हैं वो भी इन चीज़ों में आना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको मोटा मोटी बात पता होगा कि जो हमारे WFH के स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सारे के सारे इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट आज नहीं कर रहे, इन्होंने जनवरी में भी किया था। उसके बाद पता नहीं ये कौन से नींद में सो गए और उसके बाद इन्हें आज याद आया है कि चलो भैया ठीक है, अब हम लोग वापस प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग उठ चुके हैं। तो बेसिकली जो इस प्रोटेस्ट में जो हमारा सबसे पहला नाम आता है वो आता है विनेश फोगाट का। और जो विनेश फोगाट है ये हमारे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में ये गोल्ड लेके आई थी। अब बात करते हैं बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया जो थे 2020 में जो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था इसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक भी कुछ ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं समर ओलंपिक्स में। तो देखिए मैंने आपको ये चीज़ इसलिए इतना करके बोला ना कि ब्रॉन्ज लेके आई हैं, अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले की, तो उस टाइम भी जो ओलंपिक्स के लिए या फिर कॉमनवेल्थ के लिए या किसी भी बाहर की कंट्री में जाके गेम्स खेलने के लिए जो हमारी सर्विस थी ना वो बहुत कम थी। मतलब प्लेयर्स को इतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी क्योंकि हम लोग इतना उस टाइम एक्टिव नहीं थे। लेकिन बात करूं मैं आज के टाइम की ना, तो आज के टाइम में क्या है कि आपको सारी सुविधा मिल रही है, रहने से लेके खाने से लेके आपके घर तक का खर्चा फेडरेशन ही उठाती है, जो कि हम सबको पता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप अगर एक ब्रॉन्ज लेके आ गए हो तो भी भैया आपके पास गवर्नमेंट जॉब या फिर इतने सारे आपके पास फ्रेंचाइजी आ जाते हैं कि आपको कभी दोबारा गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही रीज़न था कि जो विनेश फोगाट हैं और हमारे बजरंग पुनिया हैं ये ओलंपिक्स के आने के बाद इन्होंने कोई भी गेम खेला ही नहीं, कोई भी टूर्नामेंट खेला ही नहीं। अब ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेला। और इसके बाद अब ये लोग चाहते हैं ना कि ये वापस फेडरेशन में आ जाएं और इन्हें आगे गेम्स खेलने के लिए भेज दें। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है यार, जब आप एक्टिव ही नहीं हो, जब आप इतने टाइम से खुद गेम से बाहर हो, तो कौन आपको टीम में रखेगा, कौन आपको आगे खेलने के लिए भेजेगा। अब बात करते हैं साक्षी मलिक की। तो साक्षी मलिक का तो मैं बात करना ही नहीं चाहता क्योंकि इन्होंने सिर्फ रोने के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रही इसमें। और जो विनेश फोगाट थी, इन्होंने जो यौन उत्पीड़न का केस लगाया है ब्रिजभूषण शरण पे। तो भैया ब्रिजभूषण शरण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये WFH के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं। तो अब क्या है ना कि फेडरेशन का आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली से होंगे या फिर आप लोग गेम्स देखते होंगे ना रेसलिंग का, तो रेसलिंग में ना एक तरफा इन्होंने कर रखा है कि जो हरियाणा के प्लेयर्स होते हैं ना इनका दबदबा चलता है इसमें। और मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो इनके चक्करों में या तो आगे नहीं आ पाए या फिर इनकी जो साठ गांठ थी ना उसकी वजह से ये कभी वो बाकी स्टेट के जो प्लेयर थे वो कभी आगे जा ही नहीं सके। और मैं आपको एक और सच्चाई बता दूँ, आज के टाइम में भी ना बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि रेसलिंग में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि जो हरियाणा के प्लेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और इनकी जो कम्युनिटी होती है ना ये किसी आगे और आगे को आने देने नहीं चाहती। अब जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का वो है ना कमेटी, इनकी अलग कमेटी है, तो इन्होंने क्या आगे शर्त रखी है कि जो हमारे WFH के अध्यक्ष हैं ना उनको हटा के प्लेयर्स के साथ बात करके उनके मतलब ओपिनियन के बाद वहाँ का एक अध्यक्ष रखा जाए। यार क्या लॉजिक है ये, मतलब प्लेयर से बात करके वहाँ के लिए ना एक मतलब प्लेयर्स के मन के हिसाब से वहाँ का एक जो आपका हेड होगा वो। इन सब के बाद भी अगर आप एक चीज़ नोट करोगे ना, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो, क्योंकि यहाँ पर आए हैं कौन, हमारे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी वो आई हैं, और इन सब के बीच ना अपना बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आए हैं हुडा जी। हुडा मतलब फोगाट, हुडा मतलब आप खुद एक जगह अपने आप को प्रूफ कर रहे हो कि भैया हमारी कम्युनिटी अलग है और सामने वाले की कम्युनिटी अलग है। तो आप किसी स्पेशल किसी आप स्पोर्ट्स मैन के लिए या फिर स्पोर्ट्स गर्ल के लिए नहीं लड़ रही, आप अपने कम्युनिटी के लिए लड़ रही हो, क्योंकि अब आपके बस की स्पोर्ट्स रही नहीं है और आप पॉलिटिक्स में आके WFH को अपने अंडर करना चाहती हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा था। और साथ ही साथ हरियाणा का जो फेडरेशन है ना, जो हरियाणा के प्लेयर्स हैं वो रेसलिंग में अच्छे होते हैं, ये मैं खुद एग्री कर रहा हूँ कि अच्छे होते हैं, लेकिन साथ में जो बाकी स्टेट्स के प्लेयर हैं ना ये उन्हें भी अच्छा ट्रीट करें, उनके साथ अच्छा बिहेव करें और उन्हें आगे जाने में या फिर अपने साथ खिलाने में या फिर अपने से आगे खिलाने में उनका सपोर्ट करें। अब इतने सारे प्लेयर्स हैं तो अगर आप
बात आई फिर जो जांच कमेटी थी उसके ऊपर, तो उसमें पीटी उषा भी थी, मैरी कॉम भी थी, अभिनव बिंद्रा भी थे और योगेश्वर दत्त भी थे। तो यार ये लोग इतना मतलब इतना ज़्यादा गायब हो चुके हैं, मतलब कि कुछ सोच समझ नहीं कि यार वो लोग भी रेपुटेटेड प्लेयर हैं और वो भी बहुत मेहनत करके। और अगर मैं बात करूँ ना इन तीनों की या फिर आज के टाइम में जितने भी प्लेयर्स हैं, जब पीटी उषा जीत के आई थी ना, तो उनके पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी कि भैया उनको जूते भी फेडरेशन दे रही है या फिर 10 ड्रामे फेडरेशन दे रही है। उसके बाद भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई थी। बात करूँ मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और योगेश्वर दत्त का तो मैं बात ही नहीं करूँगा, वो इतने से बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो। इन सब की अब इनका इन लोगों का क्या कहना है ना कि इन्होंने जो कमेटी बनाई है ना वो कमेटी बेकार है, मतलब वो कमेटी अच्छा आंसर नहीं देगी या फिर अच्छी जांच नहीं करेगी। तो यार आप जांच किससे करवाना चाहते हो, मतलब जांच के लिए भी तो कोई होगा ना। अब आप जांच भी आपके अकॉर्डिंग हो, WFH का जो पूरा टीम है वो आपके अकॉर्डिंग हो, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप उन पर आरोप लगा रहे हो, आपको चाहिए आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपके आपका जब मन है खेलें, आपका जब मन नहीं है मत खेलो, तो भैया ऐसा नहीं होता। और एक अगर डिसेंसी की बात करो ना, तो अगर आपका फेडरेशन में कुछ इश्यू था तो आपको फेडरेशन से पहले फिनिश करना चाहिए था। आपको ये पॉलिटिक्स वाला, ये जो आपके बजरंग पुनिया थे, इन्होंने क्या बोला कि हम ना इसको पॉलिटिकल वो नहीं देना चाहते, मोड़ नहीं देना चाहते, और जबकि आपने खुद ऐसी हरकत करी है डायरेक्ट सीधा धरना पे जाके कि भैया हम लोग पता नहीं क्या विपत्ति आ गई और पुनिया जी के साथ पता नहीं कौन सा ऐसा यौन उत्पीड़न हो गया। तो मतलब आप तरीके से काम करते तो आपका यही होता कि आप फेडरेशन से बात करते पहले, फेडरेशन के पास जाके आप पहले आप सारी बातें बताते, उसके बाद नहीं होता तो आप बाकी कार्रवाई करते। आप डायरेक्ट ये धरना प्रदर्शन और बाकी लोगों को इकट्ठा करना, और कोई इकट्ठा हुआ नहीं है, इकट्ठा करवाए गए। ये जो प्रियंका गांधी आई है और ये हुडा जी आए हैं, हुडा जी तो आपको पता ही होगा कि वो अभी नए तरोताजे नेता हैं और वो बहती गंगा में अपना हाथ धोने आए। और साथ ही साथ केजरीवाल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, केजरीवाल तो भैया अगर पश्चिम में जाएगा तो पश्चिम में, उत्तर में जाएगा तो उत्तर में, पूरब में जाएगा तो पूरब में। तो बात मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि सब कुछ ठीक है, आप किसी एक चीज़ को टारगेट क्यों कर रहे हो, मतलब आप कांग्रेस को बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी को बुला रहे हो, और आप फिर टारगेट कर रहे हो किसको, ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि वो बीजेपी से हैं। और वो बजरंग जो बजरंग पुनिया है ना, उनका कहना है कि वो ना हमारी बात नहीं सुनते, वो अपनी चलाते हैं। अरे यार वो फेडरेशन का हेड है तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा ना। आपके आपको अगर कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही तो आप आगे आके बोलो कि मुझे ये सुविधा नहीं मिल पा रही। अगर वो नहीं सुनते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इन दोनों के लिए भी कहूँगा कि यार अगर आपको इनसे प्रॉब्लम थी तो ये तो होता नहीं कि भैया आप इनके पास गए, उन्होंने आपको छेड़ दिया और इशू बन गया। अगर छेड़ा था तो आप उस टाइम भी तो बोल दे सकते थे ना कि हाँ भैया यौन उत्पीड़न हो रहा है। और बाकी जो ये कह रहे कि हमारे पास 30-35 लड़कियाँ इन्होंने इकट्ठा करी हैं, उनके साथ भी इस टाइप का काम हुआ है, तो उस जब हुआ था तो तब भी तो वो लोग बोल सकती थी ना। जब आप अपने आप मेडल जीत के ला रही है तो आपने ये चीज़ें नहीं बोली, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस टाइम आपको सारी सर्विसेज मिल ही रही थी। और जब आपके बस की खेलना नहीं रहा, जब आप टीम से बाहर हैं, जब आप ओलंपिक से आने के बाद आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं करा, कहीं आप खेलने नहीं गई, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है अपने लाइफ को आगे सर्वाइव करने के लिए, और वो है पॉलिटिक्स, और जो कि आप अच्छा करने के लिए बैठी हैं। फिलहाल सारी बातें ये हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो कुछ लोगों ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई ब्रजभूषण गलत है और ये जो बैठे हैं ये लोग सही हैं। मैं भी ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, बट जो मैंने इनका तरीका है वो मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि हर फेडरेशन का एक कायदा कानून होता है और आपको उसके अंडर ही चलना होता है। ये नहीं है कि आप एक मेडल जीत के ले आए तो आप सोचेंगे कि भैया फेडरेशन में ही चलाऊं या फिर मेरे अकॉर्डिंग ही ऑपरेट हो। और साक्षी मलिक के साथ तो आपने फोटोज देखे ही होंगे इनके, हम जो हमारे शरण सिंह हैं उनके, तो उसमें तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि भैया उनके साथ कोई ऐसा कभी काम हुआ होगा। और विनेश फोगाट का भी मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा कि यार रेसलर्स, चलो ठीक है अगर आपके साथ हुआ भी था तो यार आप रेसलर्स हो, आपके सामने तो किसी को टिकना ही नहीं चाहिए था, मतलब आप उन्हें फिजिकली भी टॉर्चर कर सकते थे, आप उन्हें मार सकते थे, या फिर आप उसी टाइम जब आपके साथ ये सारा काम हुआ था आप उसी टाइम आके बोल सकते थे कि हाँ भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो सारा कहीं ना ये मिली भगत है, ये मतलब एक पार्टी दूसरे एक पार्टी इन्हें भड़का रही है और ये भड़के यहाँ पर बैठ गए। और अब मैं बात करूँ कल रात की, मतलब 3 तारीख की रात की, और 3 और 4 तारीख के बीच की रात की,
तो यहाँ पर पुलिस वालों ने मतलब लाठीचार्ज कर दिया। तो ये लोग रोने लगे कि यार लाठीचार्ज क्यों कर दिया। तो यार प्रोटेस्ट के लिए आपको किसी ने मना नहीं करा था, प्रोटेस्ट आपने लास्ट टाइम भी किया था, प्रोटेस्ट आप अभी भी कर रही थी, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच क्या हुआ ना, इनके जो लोग थे ना वो लेके आ गए, चारपाई लेके आ गए, फोल्डिंग लेके आ गए सोने के लिए वहां पर। तो यार रोड जाम करना या फिर वहां पर किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी करना, ये लीगल तरीके से तो जायज नहीं है। और आप नहीं सुनोगे तो पुलिस वाले मारेंगे ही, और मारेंगे नहीं तो आपको जेल में डालेंगे। तो आप जबरदस्ती पिटने वाले काम कर रहे हो, और जबरदस्ती ना आप लोग अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो कि भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हम मतलब हम सिंपैथी गेम आप लोग एक टाइप से खेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी वेट करेंगे कि जो हमारे आईओ एक सारे सदस्य हैं, ये लोग कैसे हम जांच करते हैं और इसके बाद क्या रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन तब तक इस चीज़ को ना इतना हाईलाइट करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी। आप WFH के पास जाके अपनी रिपोर्ट डाल सकते थे, और जिनके साथ भी यौन शोषण हुए वो सीधा मतलब आप सामने लेके आओ ना कि अभी इनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। आपने ऐसा अपना छुपा के क्यों रखा है, जैसे पॉलिटिक्स में नहीं होता कि आप PM पद के लिए आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि कौन किसको हम लोग आगे रखेंगे। तो फिलहाल वेट करते हैं हम लोग जांच के रिजल्ट का, कि कब रिजल्ट आता है, और उसके बाद बाकी की चीजें क्लियर होंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।